दोस्तों आप लोगों को तो पता ही होगा कि भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 5 अक्टूबर से शुरू हुए थे और दोस्तों आज भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हुए 14 दिन हो चुके हैं। दोस्तों अब हैरानी की बात ये है कि इन 14 दिन में भारत की टीम कितने अच्छे तरीके से खेली है। दोस्तों इसका कोई जवाब नहीं है। दोस्तों हमारी भारत की टीम इतने जोश और इतने होश के साथ खेली है, बस उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। दोस्तों कहा जाए तो भारत की टीम इतने अच्छे तरीके से खेली है कि हमारे भारतीयों को दिल खुश करके रख दिया है। और दोस्तों सुनने में तो ये भी आया है अगर हमारे रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी ना होते तो शायद भारत की टीम को जीत नहीं हासिल होती। और ये भी कह रहे थे इन सब के पीछे जो कारण है हमारे रोहित शर्मा और विराट कोहली है, जिसकी वजह से भारत की टीम को जीत हासिल हुई और पाकिस्तान की टीम को हारना पड़ा। अगर ये दोनों ना होते तो पाकिस्तान की टीम को हार का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कि अब हमारे भारत की टीम और बांग्लादेश के बीच जो मैच होगा वो कहाँ होगा? दोस्तों इसके बारे में पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊँगी। दोस्तों अब हमारे भारत और बांग्लादेश के बीच जो मैच होने वाला है क्रिकेट मैच, वो हमारे पुणे में होगा 19 अक्टूबर को और वहाँ पर भारत और बांग्लादेश दो टीमों के बीच होगा। अब दोस्तों देखना ये है कि इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम जीतेगी। दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट करके हमें बताओ कि इन दोनों टीमों में से अब की बार कौन सी टीम जीतेगी। दोस्तों वैसे देखा जाए तो लगातार हमारी भारत की ही टीम जीतती आ रही है और अब की बार देखना है कि कौन सी टीम जीतेगी। दोस्तों आप लोग बताइए कमेंट करके कि अब की बार कौन सी टीम जीतेगी। लगातार तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि भारत की टीम ही जीतती आई है, लेकिन हम आपको बता दें कि अब की बार थोड़ा चांस सुनने में आया है कि कम है, लेकिन फिर भी हम नहीं घबराते क्योंकि हमें अपने इंडिया वालों यानी कि भारत वाली टीम पे बिल्कुल भरोसा है क्योंकि अब की बार भी भारत वाली टीम ही जीतेगी। देखते हैं दोस्तों कौन सी टीम जीतेगी। और दोस्तों अब आप लोगों को ये भी बता दें कि बांग्लादेश के खिलाफ विराट कोहली काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड था विराट कोहली का, बांग्लादेश की जो हमारी टीम थी उसके खिलाफ विराट कोहली का काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है। इतनी अच्छी क्रिकेट खेली, इतनी अच्छी बल्लेबाजी खेली है जिसका कोई अंदाज ही नहीं है। तो दोस्तों उसने इतनी ज़्यादा धूम मचा के रख दी है कि बस दिल खुश करके रख दिया। दोस्तों अगर हम बात करें बांग्लादेश के खिलाफ सबसे ज़्यादा जो रन बनाने वाले व्यक्ति है वो हमारे विराट कोहली ही है और उसके बाद जो आते हैं हमारे रोहित शर्मा आते हैं। हमारे विराट कोहली के जो रन रहे हैं वो 136 रहे हैं और जो रोहित शर्मा है उसके जो रन हैं देखा जाए तो वो दूसरे नंबर पे हैं, उसके रन 137 हैं। दोस्तों अब आप लोग बताइए कि अगर ये दोनों ना होते क्या भारत की टीम जीत पाती और पाकिस्तान की टीम को हार का सामना करना पड़ता? दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अब दोस्तों इसके लिए ज़रूर तैयार रहना क्योंकि 19 अक्टूबर को भारत और बांग्लादेश के बीच जो मैच होगा वो हमारे पुणे में होगा, देखना मत भूलना दोस्तों 19 अक्टूबर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में,